इंसान जो है बस दो नस्ल के होते हैं, एक होते हैं हरामी और दूसरे बेवकूफ, और ये सारा खेल इन दोनों का ही है। देखेगा, घबराना नहीं, देख साला अभी तुम देखेगा। बहुत खुश हूँ, आपने हमारे देश को बचाने डूबने से बचा लिया। कैसे? अरे आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। अब चूंकि मसला इतना टेढ़ा है कि हम जानते हैं आपको कितना पता होगा, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। लेकिन ये जरूर है कि अब चाइना के साथ क्या हुआ इस सरकार में और क्या क्या हुआ है, तो इस पर बहस हो तो बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता, मैं व्हाट्सएप पर बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ। और वैसे आपने पढ़ाई कहाँ से की है और कितनी की है? हम तो यही कुशीनगर से ही किए हैं। कितनी पढ़ाई? बी काम कर लिए हैं। तो इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ है, ऐसा है। जानकारी तो बढ़ाना ही जरूरी है। अच्छा, आप ये महसूस करते हैं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ाई में जो ज्ञान आपको नहीं मिला वो व्हाट्सएप से मिल रहा है? हाँ, जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि हमारी इतनी कम एजुकेशन में इतना जानकारी हो जाती, वो इस समय हम मोबाइल से कर लेते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अब मुझे मेन बात ये बताइए, आपको कैसे पता चले कि व्हाट्सएप से जो ज्ञान मिल रहा है, जो जानकारी मिल रही है, वो कितनी सही है कितनी गलत? देखिए, सारे तो सही नहीं है, लेकिन उम्मीद किया जाता है, अनुभव जब किया जाता है तो लगता है कि ये तो सचमुच हमारे लाइफ से रिलेटिव है। और जब वैसा ही टीवी चैनल में दिखाया जाने लगता है जैसा व्हाट्सएप में आता है, तब लगता है कि एकदम सही होगा, एकदम राइट है। तब लगता है कि राइट है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है अनुप कुमार कश्यप उर्फ केवट। माँ भारती का लाल हूँ मैं, माँ भारती का लाल। और देश के लिए हजार लोगों प्राण ले सकता हूँ और समय आने पर अपने पूरे परिवार को मरवा सकता हूँ। आपसे नाराज नहीं हो? दिल में मेरी आग भरी हुई है। अच्छा। मेरा देश जल गया, पीड़ा में तकलीफ है। आज मेरी आंखों के सामने मेरे जल गया है। लाल किला इंसान क्या है? CNRC प्रदर्शन क्या है? और इसके खानदान में तो सूर वीरों का खून दौड़ रहा है। एक तो सब बातें भी कहोगे कि मुझे ये पता है, मैं हजार लोगों को खुद मार दूंगा बिटिया को। रही दूरी, आम उसको घुमा के बराबर नहीं, आम सीधी बात करिए, जो भी आपको करनी सीधी बात करिए, क्योंकि हम उल्टी घुमा बिल्कुल नहीं रहे मेरी। हम बुद्धिमान वकील नहीं है, हम बुद्धिमान नहीं है, हम अज्ञानी हैं, इसलिए आम से अज्ञानी वाली बात करिए। आप अगर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाप भाई बा कानून और बाप भाई बा मेरे संविधान। हम नहीं मानेंगे ऐसे संविधान कानून को। कानून राजा ये रंग के लिए एक होना चाहिए, उस दिन हम कानून को मानेंगे। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन कानून को मानेंगे, हम कानून की पूजा करेंगे। हम आज नहीं मानेंगे हम कानून संविधान। देश संकट में है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो संविधान नहीं है, वो प्रधानमंत्री है। हम उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, वो हमारे भगवान है, वो हमारे सीने प्रवेश करते हैं, समझो हनुमान जी ने सीने फाड़ के दिखा देते भी। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं, आज नहीं डेली पूजा करते हैं, वो स्वयं भगवान नारायण है। कभी कभी लगता है कि पुनीच भगवान है। श्री अर्नब पत्रकार भगवान नारद है। अच्छा। श्री योगी जी हनुमान जी हैं और अमित शाह जी वो ही भगवान शेषनाग हैं, भगवान लक्ष्मण हैं। कुछ भी आज मुगल थे, मुगल शासन था, आज अंग्रेजी शासन था, आज इटली शासन था, आज कश्मीर नरसंहार था, आज अयोध्या कांड था, आज ठीक जगह जगह बम फटते थे, जगह जगह दंगे होते थे, लोग अकाल मृत्यु मरते थे, जो नारायण का अवतार है, ऐसे समझो आप। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता, सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पेट्रोल डीजल के दाम अथाह बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आपको गलत नहीं लगता ये? कसूर है ही नहीं, ईमानदार सरकार है बिल्कुल। अच्छा, कई सरकार ना थी, मतलब कितना भी टैक्स लगा लो, मतलब मोदी। अच्छा, कुछ भी हो जाए, अपनी कलेता बेकनी पड़े, किडनी बेकनी पड़े, मोदी। क्या बोला तूने? कुछ भी हो जाए, अपनी कलेता बेकनी पड़े, किडनी बेकनी पड़े, मोदी। अच्छा, मोदी के लिए कलेजा और किडनी भी बेच सकते, सब कुछ है न्यौछावर जनता के लिए। अगर डीजल 500 रुपए हो जाता है तो वोट बीजेपी को, डीजल 1000 हो जाता है तो वोट बीजेपी को ही है।
गैस सिलेंडर 2000 रुपए का हो जाएगा तो वो जब भी बीजेपी की मिलेगी 5000 का हो जाएगा। बीजेपी की है ये हुई बात। इस तरह की बातें होती हैं जो कट्टर समर्थक होते हैं वो बिल्कुल। एक बार अपना नाम और बताएं। नीरज। और सुना पेट्रोल डीजल लगातार महंगे होते जा रहे हैं तो क्या मोदी सरकार को जिम्मेदार आप मानते हैं इसके लिए? नहीं मानते। मोदी सरकार एक मतलब परफेक्ट आदमी है वो। अच्छा मोदी ठीक है सर। रुको जरा सबर करो। इसलिए कि क्या नाम है वो मान लो पेट्रोल महंगी की है सामान महंगा किया है तो और भी सामान तो सस्ता ही दे रहा है। क्या सस्ता दे रहा है? आपको राशन क्या नाम है 2 रुपए किलो कहीं गेहूँ पाते हैं आप? मुझे तो नहीं मिलता। मैं बीपीएल में थोड़ा आता हूँ यार। हर कोई बीपीएल में आता है क्या? तो पहले भी मिलता था तो बीपीएल में आई है ना। क्या 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 बोला? तो बीपीएल में आई है ना। मैं मतलब आप चाहते हो कि मेरी कमाई भी बीपीएल से नीचे चली जाए? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? गैस के तेल के और पेट्रोल के दाम बढ़ा देना सरकार का अत्याचार नहीं लगता? नहीं सरकार का बिल्कुल अत्याचार नहीं है। अच्छा। अगर आम आदमी साधारण आदमी अपने जीवन को साधारण रूप से व्यतीत करे तो कोई बहुत ज्यादा एक फैमिली का खर्चा नहीं होता। मतलब आम आदमी बाइक पे ना चले साइकिल पे चले? अच्छा साइकिल पे चले। जी हाँ। नहीं ये अत्याचार नहीं है। बाकी अगर आदमी को रिफाइंड है तेल है मैं तो ये कहूँ नेचुरल डाइट इस्तेमाल करो आप, रिफाइंड की जरूरत ही नहीं। खाना ही छोड़ दो। नहीं खाना खाओ आप, नेचुरल खाओ, ककड़ी खाओ, मूली खाओ, गाजर खाओ, टमाटर खाओ, नारियल का जूस पियो, सादा कपड़े पहनो। देखो मैं जो है ना ये 40 रुपए की सब्जी मैंने ली है अभी। अच्छा। 40-45 रुपए की। हाँ। इसमें सारी नेचुरल डाइट है। मैं ना इसमें नमक डालूंगा ना नींबू डालूंगा ना इसको छीलूंगा, इसको भिगो के खाऊंगा और मेरा 100 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं है डेली और मैं अपने आप को फील गुड करता हूँ। ये तो मैंने सहज हास्य योग हो रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप माखन हुकुम मुजिक लगा। मोदी जी रगड़ दो चाइना को, रगड़ दो चाइना को, सारी दुनिया आपके साथ है। मोदी जी रगड़ दो जिनपिंग को, रगड़ दो जिनपिंग को, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें सोचने की क्या बात है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।